घूम जाए दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा, चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा। इन पंक्तियों को दोहराता हुआ माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय प्रधानाचार्य जी, पूज्य गुरुजनों एवं मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम भारत के स्वतंत्रता दिवस और आजादी का 75वीं अमृत महोत्सव मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह हमारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है। इस पावन अवसर पर आप सभी को स्वतंत्र दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। भारत को ब्रिटिश शासन से 1947 में 15 अगस्त को आजादी मिला। यह वह दिन है जब हमें भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा कई वर्षा के कठिन संघर्षों के बाद आजादी मिला। हम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी जी के सभी संघर्षों को कैसे अनदेखा कर सकते हैं। महात्मा गांधी जी एक महान भारतीय व्यक्तित्व थे जिन्होंने भारतीयों को अहिंसा का एक बड़ा पाठ पढ़ाया था। स्वतंत्रता के बाद हमारे भारत देश खेल, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, विज्ञान जैसे कई क्षेत्रों में उन्नति कर रहा है। हम अपनी सरकार चुनने और दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र के आनंद लेने का पूरा अधिकार है, परंतु आज भी हमारे देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, असमानता, बेरोजगारी जैसे समस्याएं हैं। देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आज हम सब प्रतिज्ञा करते हैं कि इस समस्याओं को सुलझाने के लिए पूरे प्रयास करेंगे और भारत को विश्व का बेहतरीन देश बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत माता।